आप देख रहे हैं न्यूज 14 और मैं हूं सैयद नकिया। ऑटो रिक्शा में यात्रियों से लूटपाट करने वाले बदमाशों को कोंडागांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। भिवंडी में चोरों के हौसले बुलंद है। हर दिन नए नए तरीके से चोरी करने में माहिर ये चोर चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। पिछले दिनों 26 नवंबर की रात मानकोली से भिवंडी के लिए निकली रिक्शा में पहले से सवार प्रवासी और रिक्शा ड्राइवर ने मिलकर सह प्रवासी को लूट लिया। भिवंडी बाईपास पर टाटा मंत्रा के सामने रिक्शा को रोककर चाकू दिखाकर प्रवासी के पास से मोबाइल फोन और पैसे लूट लिए। सीटू रामाजी की शिकायत पर कोंडागांव पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 394-506-34 के तहत मामला दर्ज किया गया। चोरी की वारदात में ऑटो रिक्शा का उपयोग किया गया था, इसलिए आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शेखर गोवर्धन पवार उम्र 26, मनीष भोलेनाथ गुप्ता उम्र 27 को गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद किया है। छब्बीस नवंबर 2023 को रात को 10 बजे मोरिया नाम के इसम जो मानकोली से ऑटो रिक्शा में पैसेंजर करके बैठे थे वो राजनोली नाका आए और टाटा आमंत्रा के सामने उनको रुका के रिक्शा के ड्राइवर और उसके साथ एक जो आदमी था उन्होंने उसको चाकू दिखा के उनको धमका के उनके पास से मोबाइल और कुछ रुपये कुछ सामान उनसे छीन लिया और वो लेके भाग गए थे। ऐसी वारदातें जो है वो बहुत सीरियस है और जो हाईवे पर चलने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सीरियस हो गई थी। इसलिए हमारे टीम के डिटेक्शन ब्रांच के लोगों ने उनकी बहुत मालूमात निकाल के कल्याण एरिया से वो दोनों को अरेस्ट किया है। उनके नाम शेखर पवार और मनीष गुप्ता ऐसे हैं। उनके पास से एक वैगनर गाड़ी, दो रिक्शा, चाकू और स्प्रे, 6 मोबाइल ऐसा 7,63,000 रुपये का माल जब्त किया। अभी तक उन्होंने अभी तक 5 गुना किया ऐसे उन्होंने कबूली दिया है। एक दादर सागरी, रबाड़े, भिवंडी तालुका और कोंडागांव ऐसे 5 गुने वहाँ के उन्होंने अभी तक बोले हैं। अभी भी इंक्वायरी चालू है। इसमें अभी भी कोई आरोपी शामिल होने की आशंका? अभी तो इन्वेस्टिगेशन और चालू है और अगर कोई होते हैं आगे आरोपी उसमें निष्पन्न तो उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। ये लोग मतलब किस तरह से बताते थे? ओला गाड़ी चलाते थे? हे रिक्शा चलाते थे। रिक्शा में पैसेंजर हाईवे पे एक आदमी पीछे बैठ के और ऐसा हो पैसेंजर वो दिखाता था और फिर जाते जाते रास्ते में कोई आदमी अकेला दिखा तो उनको पैसेंजर करके बिठा लेते थे और उनको अंधेरे में जाके लूटते थे। ऐसी उनकी एमओबी थी।